अभी हम चलाने आ रहे हैं टाटा सिग्ना, तो चलिए इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं। 10 गियर होते हैं इसमें। ये कितने सारे स्विच हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिलायबल मोटर्स। और आज जो गाड़ी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है टाटा सिग्मा, और इस तरफ आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड। तो मैंने गाड़ी कभी पहले चलाया नहीं, आज फर्स्ट टाइम इसको चला के दिखाऊंगा मैं आपको। इसमें मिलते आपको 10 गियर। जी हाँ, 10 गियर इस गाड़ी में मिलते हैं। अब 10 गियर चला के दिखाऊंगा ये गाड़ी, और इसको चलाने के बाद में कैसा एक्सपीरियंस आता है ये पूरा आपको मैं शेयर करूँगा। तो स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा राजू जी का, तो यहाँ पर इन्होंने हमको गाड़ी आज ये चलाने देंगे। तो चलिए हम इनसे इनके बारे में पूछते हैं कि गाड़ी में आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 2523 BH4 ये। ओके हाँ, 2523 BH4 गाड़ी है। ये गाड़ी है 24 वाल। ओके पिस्टन। ओके इसका एक ही बीमारी है सर, ये गाड़ी वाल तोड़ती है, अपना फिंगर तोड़ती है। ओके यानी फिंगर तोड़ती है, ज्यादा लोड गिर गया हाँ, झटका मार दिया ड्राइवर ने, इसका फिंगर टूट जाता है। टाटा का। ओके ये बीमारी सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तुम्हारा गाड़ी एक नंबर है। अच्छा, और अशोक लेलैंड में कोई बीमारी नहीं, गाड़ी एक नंबर है। अच्छा, आपने ये भी ड्राइव किया? ये भी यूज़ किया है, मैं ये भी यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, और सीटिंग वगैरह, सीट वगैरह कैसे? सीट मीट का इसका भी अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें सस्पेंशन सीट है टाटा में। अच्छा, लेलैंड में सादा वाला है। अच्छा, और प्राइस वगैरह कहाँ तक जाता है दोनों? 50-60 हज़ार का फर्क गिरेगा खाली, डिफरेंस है यानी। और ये डिस्काउंट में फर्क है बस। अच्छा, और क्या प्राइस जाता है ऐसा लेने के टाइम गए अगर? इसमें क्या 35 लाख रुपए के आसपास में प्राइस होगा उसका, 35 से 40 लाख के करीब। ओके, तो आज चलिए हम ये गाड़ी चला के देखते हैं, और कैसा एक्सपीरियंस है हमारा वो आप सभी को शेयर करेंगे। तो चलिए अब जाते हैं हम ये डंपर के अंदर सिग्मा में। तो सिग्मा का सबसे पहले हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं। देखिए कितना ऊपर तक की इसकी हाइट है। यहाँ पर हमें फूट स्टेप दिया गया है, ये है पहली। दूसरी मैं पहले ऊपर आके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर सीट बेल्ट हमारे लिए पहले से ही तैयार है। चलो बढ़िया है, सेफ्टी ज़रूरी है यहाँ पर। और देखिए कितना बड़ा कैबिन मिल रहा है यहाँ पर आपको। अभी इसमें आपको यहाँ पर सिर्फ जजमेंट लेना रहता है। ये देखिए ORVM के थ्रू, यहाँ से इस ORVM से आप पूरा बैक साइड देख सकते हैं, और वो वाला ORVM है तो यहाँ से आप रियर का पूरा साइड देख सकते हैं। तो कुछ भी यानी आपको दिक्कत नहीं आएगी बड़ी गाड़ी चलाने में। चलिए आज फर्स्ट टाइम इसे चला के देखते हैं। 10 गियर होते हैं इसमें। इसमें यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और R यानी रिवर्स। और ये लोअर जो है, यानी आप जब भी अप हिल पर गाड़ी चलाओगे तो वहाँ पर आपको ये गियर शिफ्ट करना रहता है। इसमें अगर आपकी गाड़ी में कितना भी बड़ा लोड है वो पूरा के पूरा ये गाड़ी लेकर चला लेंगी। और देखिए इसका स्टेयरिंग व्हील, पावर स्टेयरिंग है ये। यहाँ पर नीचे पैड्स, मैं आपको एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक दिखा देता हूँ। देखिए ब्रेक कितना बड़ा है, मेरे जूते के साइज़ का ब्रेक है ये। चलो बढ़िया, डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर आप फोर व्हीलर भी चलाते हो तो इजीली चला लोगे, बस एक ही है कि आप यहाँ पर डेरिंग करके बैठिए और कुछ ही दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम चलाने आ रहे हैं टाटा सिग्ना, तो चलिए इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल रिलायबल मोटर ड्राइविंग स्कूल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें। स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा राजू भाई का, जिन्होंने हमें गाड़ी चलाने दी। थैंक यू भाई।